गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अक्षय पारे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन्स। ये नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 9 न्यूट्रिशन की। इससे पहले अपन ने फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया है, होप सभी को समझ में आया हो। नेक्स्ट जो यूनिट अपन लेंगे वो लेंगे विटामिन्स। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं न्यूट्रिशन के अंदर, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जब अपन ने पढ़ा तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तीन तरह के अपन ने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब बात करते हैं तो मिनरल्स और विटामिन्स। इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि इनका साइज छोटा है या फिर और वजह से, बल्कि ये अपनी बॉडी के अंदर ट्रेस अमाउंट के अंदर यूज़ होते हैं। बट इनका जो फंक्शन होता है वो स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इनकी थोड़ी बहुत कमी या एक्सेस होना भी बॉडी को इम्बैलेंस कर सकता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं विटामिन्स के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स, विटामिन्स का जो मतलब होता है, अपन जब इसको तोड़ के देखते हैं तो विटामिन्स, वाइटल अमीन्स, वाइटल मीन्स होता है जो अपनी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट होता है, या वाइटल्स का, वाइटल का जो मीनिंग होता है वो होता है इम्पोर्टेंट। और अमीन्स, ये एक तरह के अमीन्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड से मिलके बने होते हैं, तो इनको कहते हैं विटामिन्स। इंट्रोडक्शन की जब बात करें तो बेसिकली ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द वर्ड विटामिन जो है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। जो विटामिन वर्ड है वो लेटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। विटामिन्स मतलब जो स्पेसिफिक एसेंशियल विटामिन्स, और अमीन्स मीन्स ए क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड जो होते हैं, अमीन्स के जो कंपाउंड होते हैं उनसे मिलके ये बने होते हैं। नोट्स के अलावा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनके अलावा जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा या बता रहा हूं, उनको आप एक अलग से साथ में कॉपी लेके बैठे हैं उनमें नोट डाउन, या आपने नोट्स लेके बैठे हैं उनके अंदर साथ साथ में नोट डाउन करते रहें। तो सबसे पहले लाइन टू लाइन देखेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट है, विटामिन आर सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन डिफरेंट नेचुरल फ्रूट। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट आर रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट मेनी वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी। सीधा सा मतलब है, विटामिन जो होते हैं अपने बॉडी के लिए इतने असेंशियल होते हैं कि वो बिना किसी एनर्जी प्रोवाइड करे हुए भी वाइटल, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन को प्रॉपर कर सकते हैं। ये सभी लगभग नेचुरल फूड के अंदर अपने को मिल जाते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो विटामिन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। लाइन टू लाइन देखें, द टर्म विटामिन आर कॉइंड फ्रॉम द वर्ड वाइटल अमीन्स। विटामिन इज द टर्म यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पोटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, विच अकर इन माइन्यूट क्वान्टिटी इन फूड एंड विच आर असेंशियल फॉर सम स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन सच एज रेगुलेशन, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन। ये अपनी बॉडी के अंदर ट्रेस अमाउंट के अंदर होते हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये अपनी बॉडी के स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन या रेगुलेशन और मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। बॉडी ग्रोथ, प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी बूस्टअप करने का काम करते हैं। सभी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर फंक्शनिंग का काम करते हैं विटामिन्स। नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन, या फिर इससे पहले अपन एक चीज़ और जान लें, जो विटामिन्स होते हैं इनको पहले जब इनका डिस्कवर हुआ, जब इस इन जो विटामिन्स है, जो एलिमेंट्स है उनका जब डिस्कवर हुआ, तो जो शुरुआत में, अभी इसका नाम है विटामिन्स, लेकिन शुरुआत में इनका नाम विटामिन्स नहीं था। इनको एक स्पेशल फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर के नाम से जानते थे। जब ये डिस्कवर हुए तब इनको एक जाना जाता था स्पेसिफिक फैक्टर के नाम से, बॉडी में एक स्पेसिफिक फैक्टर। बाद में इनका नाम विटामिन पड़ा, लेकिन जब स्पेसिफिक फैक्टर नाम पड़ा तो ये अराउंड 1909 के में जब इसकी डिस्कवरी हुई, तो 1909 में इसको स्पेसिफिक फैक्टर नाम दिया गया, और वो नाम देने वाले थे विलियम्स फ्लेचर। विलियम्स जो फ्लेचर थे उन्होंने इनको पहली बार स्पेसिफिक फैक्टर नाम दिया। धीरे धीरे इन्वेंशन होते गए, धीरे धीरे और विटामिन का पता लगा, तो इनका नाम बदलकर 1912 के अंदर इनका नाम
कश्मीरी फंक ने विटामिन्स रख दिया 1912। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप नोट कर लें, 1912 के अंदर इसका नाम स्पेसिफिक फैक्टर से चेंज करके विटामिन रख दिया गया। किसने रखा? कश्मीरी फंक ने। नेक्स्ट अपन बात करें, एक और स्पेसिफिक बात करता हूँ कि सबसे पहले कौन सा विटामिन डिस्कवर किया गया। सबसे पहले जो विटामिन डिस्कवर किया गया वो था B1, विटामिन B1, जिसको थायमिन के नाम से भी जानते हैं। ये 1910 के अंदर, 1910 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया। अगर आपको, जैसा कि पता है, विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, जैसा कि स्लाइड में भी लिखा हुआ है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। अगर मैं बात करूं सबसे पहले फैट सॉल्युबल कौन सा विटामिन डिस्कवर हुआ, तो वो विटामिन है विटामिन ए, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं, रेटिनोल। दो बात हुई है यहाँ पे। विटामिन्स के अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि सबसे पहला विटामिन कौन सा डिस्कवर हुआ, तो वो है विटामिन B1। लेकिन अब अगर मैं कह रहा हूँ फैट सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर पहला कौन सा विटामिन था, तो वो है विटामिन ए, जिसका नाम है रेटिनोल। सबसे लास्ट डिस्कवर्ड होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन B12, जिसको साइन कोबालमिन भी कहते हैं। ये इनका नाम जो B1, B2, B3, B4, ये जो एक क्रम में जो अपन ने नाम दे रखा है, ये एक तरीके से जब इनका इन्वेंशन हुआ, डिस्कवर हुआ, जैसे जैसे ये डिस्कवर होते गए वैसे वैसे इनका नाम रखा गया। तो इनमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं है कि विटामिन B2 क्यों रखा, विटामिन B3 क्यों रखा। जैसे जैसे ये डिस्कवर होते गए वैसे वैसे इनका नाम रख दिया गया। नेक्स्ट अपन, ये हो गया एक्स्ट्रा जो आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन्स को कितने पोर्शन में क्लासिफाई कर सकते हैं? तो विटामिन्स आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी इन आइदर वाटर और फैट्स, सो दे आर टू टाइप्स। इनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर हमने इनको दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फैट सॉल्युबल, जो फैट या एल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होते हैं। सेकेंड है वाटर सॉल्युबल, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं बल्कि फैट के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो फैट, सबसे पहले बात करते हैं फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स वे होते हैं जो फैट के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं या फिर अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, चार तरह के विटामिन्स होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं फैट के अंदर। सेकेंड है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो दो तरीके के, मेजर अपन ने दो तरीके के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12, B9 भी होता है, B12 दोनों होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को भी दो भागों में डिवाइड करके, तो एक तो होते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग, जो अपनी बॉडी के अंदर कई हद तक, मैं डायरेक्टली एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, बट एक एनर्जी प्रोवाइड करने की जब बात आती है, तो होते हैं विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B7। ये क्या होते हैं? एनर्जी प्रोवाइडिंग विटामिन्स भी इनको कहते हैं। अगर मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करूं या इसका क्लासिफिकेशन करूं, तब दूसरे विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं हीमोपोएटिक विटामिन। हीमोपोएटिक विटामिन्स का मतलब हो गया जो RBC या ब्लड फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं। उनके अंदर दो विटामिन आते हैं, विटामिन B12 एंड विटामिन B9, जिनको साइनोकोबालमिन और फॉलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल है विटामिन सी। विटामिन सी है जो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट और वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। आई होप आपको यहीं तक समझ में आया होगा। विटामिन्स, उसकी हिस्ट्री, उसके स्पेसिफिक फैक्टर्स, क्लासिफिकेशन दो तरीके से डिवाइड किया, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल के अंदर ए, डी, ई, के एंड नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल के अंदर पूरा बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर दो भागों में डिवाइड किया, वे जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या उनका नाम एनर्जी प्रोवाइडिंग विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है, या सेकेंड है हीमोपोएटिक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट के अंदर B1, B2, B3, B5, B7, B6, ये सभी आएंगे एनर्जी प्रोवाइडिंग विटामिन्स के अंदर। लेकिन
हीमोपोएटिक विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर B9 और B12 आते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी, इसके बाद में अपन देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो अपनी बॉडी में बहुत असेंशियल रोल प्ले करता है। विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल होता है, जो विटामिन ए है उसका दूसरा नाम होता है रेटिनॉल। तो लाइन टू लाइन पहले देखें, विटामिन ए अकर्स ओनली द फैटी फेज ऑफ फूड ऑफ एनिमल ऑरिजिन। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फैटी जो फेज होती है, क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल है इसलिए वहीं प्रेजेंट होते हैं। प्लांट फूड कंटेन्स येल्लो ऑरेंज एंड रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड कैरोटीन विच गिव कलर टू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इनके अंदर जो कैरोटीन होता है वो वेजिटेबल्स और फूड को क्या करता है? कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। फंक्शन ऑफ विटामिन ए, इससे पहले अपन थोड़ी बहुत चीज़ इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो देखिए, विटामिन जो ए होता है, सीरम विटामिन का जो लेवल होता है, सीरम के अंदर विटामिन का जो लेवल है वो होता है तकरीबन 20-50 माइक्रोन पर ग्राम पर डीएल। जो विटामिन ए का सीरम के अंदर जो लेवल होता है वो 20-50 माइक्रोग्राम पर डीएल होता है, ठीक है। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड किया हुआ लिपिड सॉल्यूबल विटामिन है, ये बात अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड किया हुआ लिपिड सॉल्यूबल विटामिन होता है, जो कि 1930 के अंदर डिस्कवर्ड किया गया। 1930 के अंदर डिस्कवर्ड किया गया। किसने डिस्कवर्ड किया? डेविस ने इसको डिस्कवर्ड किया। बेसिकली ये तीन फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड, तीन फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है। जो रेटिनॉल होता है ये अल्कोहल का डेरिवेटिव होता है, रेटिनल होता है ये एल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट है रेटिनोइक एसिड, जो कि एक एसिड होता है नेचर के अंदर। ये तीनों कलेक्टिवली जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इनको बोलते हैं रेटिनॉइड्स, जो कि विटामिन ए होता है। सबसे पहले होता है रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनॉइक एसिड। एक अल्कोहल होता है रेटिनॉल, रेटिनल एल्डिहाइड होता है और रेटिनॉइक एसिड होता है। ये तीनों को अगर कलेक्टिवली अपन बोलेंगे तो उनको बोलते हैं रेटिनॉइड्स, जो कि विटामिन ए होता है। विटामिन ए का प्रिकर्सर भी होता है। प्रिकर्सर का मतलब होता है कि विटामिन ए का पहले की स्टेज, विटामिन ए बन रहा है उससे पहले की स्टेज को बोलते हैं बीटा कैरेटोन, या बीटा कैरेटोन बोलते हैं किसको? विटामिन ए के प्रिकर्सर को, ठीक है। जो विटामिन ए है, अगर उसके फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है विजन का मतलब हो गया ये देखने में हेल्प करता है। अच्छा है, तो बेसिकली ये देखने में हेल्प करता है नाइट टाइम में। तो नाइट टाइम में ये देखने में हेल्प कैसे करता है उसकी मैं दो बात करूँगा। इसके अंदर जो असेंशियल फॉर विजन इन डिम लाइट, ये जो डिम लाइट होती है उसमें विजन करने के लिए असेंशियल होता है। इसका जो रेटिनॉल होता है, जो रेटिनॉल पार्ट होता है, ये कंबाइन हो जाता है ऑप्सिन प्रोटीन से। जो अपनी आई की प्रोटीन है ऑप्सिन प्रोटीन, उससे कंबाइंड होकर रोडोप्सिन नाम का एक एलिमेंट बनाता है। ये रोडोप्सिन एलिमेंट वार्ड्स विजुअल साइकिल के अंदर हेल्प करता है, जो कि आप पढ़ेंगे सेंसरी सिस्टम में। वार्ड्स विजुअल साइकिल होता है वो नाइट टाइम में या नाइट विजन के लिए हेल्प होता है। क्या होता है? रेटिनॉल ऑप्सिन प्रोटीन के साथ कंबाइंड होता है और कंबाइंड होने के बाद रोडोप्सिन एक एलिमेंट बनाता है। रोडोप्सिन बनाने के बाद में नाइट विजन है वो प्रॉपर हो पाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रोडोप्सिन साइकिल और वार्ड्स विजुअल साइकिल। तो विटामिन ए है वो विजन के अंदर या नाइट विजन के अंदर हेल्प करता है। ये किसने दिया ये साइकिल, या ये इसके बारे में किसने बताया? तो सर जॉर्ज वर्ड ने इसके बारे में सबसे पहले 1968 के अंदर बताया। सर जॉर्ज वर्ड ने 1968 के बारे में विजुअल साइकिल के बारे में बताया, वार्ड्स विजुअल साइकिल के बारे में बताया। इसके लिए उनको नोबल प्राइज से भी किया गया 1970 के अंदर उनको नोबल प्राइज भी दिया गया। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले विजन हो गया। एपिथेलियल टिश्यू, विटामिन ए इज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विच फॉर्म आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ स्किन।
जो विटामिन ए होता है वो एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर होती है उनको मेंटेन करने का काम करता है, या फिर उनकी जो इंटीग्रिटी है उनको मेंटेन करने का काम करता है। जो विटामिन ए के सप्लीमेंट्स होते हैं वो स्किन होती है उन टिश्यू के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं उनकी इंटीग्रिटी और ग्लोनेस मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है बोन एंड टूथ डेवलपमेंट। विटामिन ए जो होता है वो बोन एंड टूथ के डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसका, लेकिन वो विटामिन डी को एक्टिवेशन में और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। इससे बोन और टूथ डेवलपमेंट के अंदर विटामिन ए अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। जितने भी विटामिन होते हैं ये लगभग एंटी इन्फेक्टिव नेचर के होते हैं, या इम्यूनिटी बूस्ट करने के नेचर में, या फिर इम्यून रेस्पॉन्स को बूस्ट अप करने के फेवर में होते हैं। तो इसका एक फंक्शन और हो गया एंटी इन्फेक्टिव। इट हेल्प द बॉडी फॉर फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए भी डब्ल्यूबीसी आरबीसी को सबको हेल्प करता है। नेक्स्ट है अदर्स में इट मे प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम एपिथेलियल कैंसर। जैसा कि मैंने बताया कि ये ग्लोनेस एपिथेलियल की इंटीग्रिटी और एपिथेलियल की जो एपिथेलियल की हेल्थ है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, तो उससे ये कैंसर जो एपिथेलियल कैंसर है उसको भी प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे बात करें तो स्केलेटन टूथ को ये आउटर मोस्ट लाइनिंग स्केलेटन टूथ के रिक्वायरमेंट के अंदर उसकी ग्रोथ के रिक्वायरमेंट में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंटरनल जो जितने भी जो डक्ट होती हैं इंटरनल ट्रैक्ट उनकी जो स्मूथनेस है और उनकी जो इनर लाइनिंग है उनकी इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। ये ऑब्वियस आरबीसी सिंथेसिस में फंक्शन प्ले करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स का, प्लाज्मा प्रोटीन्स के ट्रांसफरिन और उनको प्रोडक्शन करने के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं। ये एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वे होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को बाइंड करके बॉडी से बाहर निकालते हैं। फ्री रेडिकल्स अपनी बॉडी के अंदर बहुत होते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब होता है जो भी अपन ईट कर रहे हैं, जो भी अपन खा रहे हैं, तो आफ्टर मेटाबोलाइज एक फ्री रेडिकल निकलता है जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। फ्री रेडिकल्स बहुत तरीके के होते हैं, हर फूड से या हर न्यूट्रिएंट से अलग अलग फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, उनको ये बाइंड करके अपनी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो विटामिन ए जो होते हैं वो ऑल्सो ए प्ले ए रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। इसी के साथ साथ ये स्टेरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस को भी बूस्ट अप करते हैं। ये स्टेरॉयड हार्मोन कौन से, एड्रेनलिन, नोरेड वगैरह, कैटाकोलामाइंस वगैरह, इनके जो फॉर्मेशन होता है उनको, या फिर टेस्टोस्टेरोन वगैरह हो गए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो गए, ये इनके जो सिंथेसिस है उनको भी बूस्ट अप करने का काम करता है। इट ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ एंड ऑफ माइलिन शीथ ऑफ न्यूरोन। जो न्यूरोन्स की माइलिन शीथ होती है उसके मेंटेनेंस और फॉर्मेशन में भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन नहीं बताए हुए हैं, जो भी मैंने एक्स्ट्रा फंक्शन आपको बताए हैं ये आप ऐड कर लीजिए। जो माइलिन शीथ होती है न्यूरोन्स की उसको ग्रोथ करने के लिए और उसका मेंटेनेंस करने के लिए भी विटामिन ए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब है विटामिन ए बॉडी को कहां कहां से मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल एंड प्लांट फूड। ये दोनों एनिमल एंड प्लांट फूड के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है। सबसे पहले एनिमल सोर्स के अंदर देखें तो एग, योक, बटर, चीज़, फिश और मीट के अंदर ये आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा एनिमल सोर्सेज के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा विटामिन ए कौन से सोर्स में मिलेगा, तो वो है हेलीबट फिश। हेलीबट फिश, यहाँ पे फिश मैंने लिखा है, बट एक स्पेसिफिक फिश होती है हेलीबट फिश, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट सोर्सेस। इसमें है ऑल येलो, ऑरेंज एंड रेड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सच एज कैरेट, मैंगो, पपाया, स्पेनिश, करी लीव्स, इनके अंदर क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे रिचेस्ट सोर्स प्लांट के अंदर सबसे रिचेस्ट सोर्स होगा तो वो होगा रेड पाम ऑयल। रेड पाम ऑयल के अंदर सबसे ज़्यादा बीटा कैरेटोन मिलता है, और बीटा कैरेटोन किसका प्रिकर्सर होता है, विटामिन ए का।
इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड्स में जैसे वनस्पति घी में भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डेली रिक्वायरमेंट्स या RDA, रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट्स। डेली रिक्वायरमेंट्स कितनी होती है विटामिन ए की, इसमें सीधा बताया हुआ है द रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ विटामिन ए इज 600 mg फॉर एडल्ट। द कन्वर्जन ऑफ कैरेटिन टू विटामिन ए टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल, इट एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ फैट इन द डाइट। इसका मतलब ये है विटामिन ए एडल्ट के अंदर कितना चाहिए होता है, 600 मिलीग्राम एडल्ट के लिए पर डे। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन्फेंट या चाइल्ड के लिए, तो इन्फेंट्स के लिए होता है 350 mg पर डे होता है इन्फेंट्स के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2 से 10 साल के बच्चे के लिए तो होता है 450 mg पर ग्राम, वो डेली रिक्वायरमेंट होती है। आगे अगर मैं बात करूँ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर, तीन बात मैं कर रहा हूँ दोबारा से। सबसे पहले है इन्फेंट के अंदर चाहिए 350 mg पर डे। मैं बात कर रहा हूँ 2 से 10 साल के बच्चों की तो 400 mg पर डे। अब बात कर रहे हैं एडल्ट्स के लिए तो 600 mg पर डे के हिसाब से। लेकिन अगर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर की बात करें तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर ये 950 mg पर डे के हिसाब से फीमेल को रिक्वायरमेंट होती है, 950 mg पर डे। ठीक है, नेक्स्ट ये जो लाइन में लिख रहा है वो है लाइन टू लाइन देखिए, द कन्वर्जन ऑफ कैरेटिन टू विटामिन ए टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल। जो बीटा कैरेटोन होता है, जो प्रीकर्सर होता है, उसका विटामिन ए के अंदर कन्वर्जन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बीटा कैरेटोन एक प्रीकर्सर है विटामिन ए का, मैंने बता दिया पहले। तो विटामिन ए कब कहाँ चेंज होगा, कैरेटोन किससे कैसे चेंज होगा, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसका जब डाइजेशन होगा तब। इट एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ फैट इन द डाइट। इसका एब्जॉर्प्शन फैट की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। वो क्यों, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होता है। जितना ज़्यादा डाइट में फैट होगा विटामिन ए उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब है ये गट के अंदर ब्लड वेसल्स में जाने के लिए किसी ना किसी फैट का सहारा लेगा। अगर डाइट में फैट ज़्यादा है तो विटामिन ए का जो एब्जॉर्प्शन है वो फैट का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। जब हम डेफिशिएंसी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए विटामिन ए के फंक्शन क्या क्या हैं। अगर आपको विटामिन ए के फंक्शन पता है तो ऑब्वियस बात है आपको ऑटोमेटिकली ये पता हो जाएगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी में कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि दे इंक्लूड नाइट ब्लाइंडनेस। अभी मैंने आपको बताया विटामिन ए ऑप्सिन प्रोटीन से जुड़ के रोडोप्सिन बनाकर नाइट विजन के अंदर हेल्प करता है, वार्ट्स विजुअल साइकिल के अंदर। लेकिन अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई तो नाइट में रोडोप्सिन जो फैक्टर है रोडोप्सिन कंपाउंड नहीं बन पाएगा, नाइट में नाइट विजन नहीं हो पाएगा, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, या उसका दूसरा नाम है नेक्टोपिया। नाइट में अगर विजन इम्पेयर्ड है तो उसको बोलते हैं नेक्टोपिया। नेक्स्ट है कंजंक्टिवाइटिस, बाइटोट स्पॉट। कंजंक्टिवाइटिस और बाइटोट स्पॉट होते हैं, पहले विटामिन ए का फंक्शन देखे हैं। ये इनर लाइनिंग जितनी भी होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उनकी इंटीग्रिटी और उनको म्यूकस या फिर उनको मॉइस्चराइज बनाने का काम करता है। अगर विटामिन ए कम है तो जो अपने आई की कंजंक्टिवाइटा है वो धीरे धीरे ड्राई होंगी, और ड्राई होके वहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, उसको बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। बाइटोट जो स्पॉट होते हैं एक स्पेसिफिक तरीके के स्पॉट होते हैं, स्पॉट मतलब एक तरह के धब्बे होते हैं, ट्रायंगुलर इनकी शेप होती है, येलोइश कलर के होते हैं, डर्टी होते हैं, जो प्रोलीफरेशन भी करते हैं, जो एक तरह से फटते भी हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कंजंक्टिवाइटा पे। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, जो मैं बता चुका हूँ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज निक्टोपिया साइन विटामिन ए डेफिशिएंसी। इन दिस कंडीशन द सब्जेक्ट कैन नॉट सी वेल इन डिम लाइट। जैसे ही डिम लाइट होगी जो सब्जेक्ट है या फिर जो पर्सन है वो डिम लाइट में नहीं देख सकेगा। ये वार्ट्स विजुअल साइकिल आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा कैसे नाइट विजन के लिए अलग से अपनी जो आई है उसके अंदर एक अलग से साइकिल चलता है। बाइटोट स्पॉट मैंने आपको बता दिया,
जीरोसिस कंजंक्टिवाइटा का मतलब होता है, जीरोसिस वर्ड इज डायरेक्टली डिनोट टू ड्राइनेस, जीरोसिस का मतलब होता है ड्राइनेस, तो कंजंक्टिवाइटा है उसका ड्राइनेस या रिंकल होना जीरोसिस कंजंक्टिवाइटा कहलाता है। इसी के साथ साथ बॉडी स्किन का रफ हो जाना भी विटामिन ए डेफिशिएंसी को कॉज करता है। कॉर्नल जीरोसिस भी होता है, कॉर्नल अल्सर भी हो जाती है, जो कॉर्निया होता है उसका अल्सर भी कॉज करता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन ए, इन जो विटामिन है उनकी डेफिशिएंसी भी अपनी बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उसी के साथ साथ इसी की विटामिन की एक्सेस हाइपर विटामिनोसिस, ये तो था हाइपो विटामिनोसिस, अब अगर हाइपर विटामिनोसिस हो रहा है, विटामिन ए की ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर भी वो बॉडी में इफेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी आर नोजिया, नोजिया का मतलब होता है फील लाइक वॉमिटिंग, पेशेंट को या पर्सन को ये फील होता है कि वो वॉमिट करने वाला है या उसको वॉमिट आने वाली है, उसको बोलते हैं नोजिया। वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ हेयर और इचिंग, उसको लॉस ऑफ हेयर, इचिंग, एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वॉमिटिंग वॉमिटिंग वगैरह होगी अगर विटामिन ए की बॉडी के अंदर क्या है एक्सेस है। उसका ट्रीटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज डोज, ये जो ट्रीटमेंट दिया है ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए का है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसके अंदर 12 लाख यूनिट या 12 यूनिट इंटरनेशनल 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 12 यूनिट अपने को विटामिन ए पेशेंट को प्रोवाइड करना है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, अगर कम हो रहा है बॉडी के अंदर विटामिन तो उसमें प्रिवेंशन कैसे करता है, वही है डाइट के अंदर अपन विटामिन बढ़ाएंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, है पीएम से बचाएंगे, अंडर द नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ब्लाइंडनेस विटामिन ए ड्रॉप्स आर बीइंग गिवन ओरली, इसी के साथ साथ ओरली अपन जो विटामिन की डोज है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है वो अपन प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो कि मैंने एक बार डिस्कस करी थी कि विटामिन की जब डोज देते हैं तो टोटल जब एक बच्चा जन्म लेता है वहाँ से उसको डोज दी जाती है, तो सबसे पहली जो डोज लगती है फर्स्ट डोज विटामिन की, जो विटामिन ए की डोज लगती है वो 9 मंथ पे लगती है, और कितनी यूनिट लगती है 1 ml या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 1 ml हम बच्चे को जब वो 9 मंथ का हो जाता है तो उसे विटामिन ए की ड्रॉप दी जाती है। ये 1970 से ये प्रोग्राम स्टार्ट कराया गया, टोटल जो बच्चे में 9 डोज दी जाती है 17 ml तक, सबसे पहली डोज दी जाती है 1 ml की वो 9 मंथ पे, सेकंड डोज दी जाती है 18 महीने पे, थर्ड डोज दी जाती है 24 मंथ पे, अच्छा जो सेकंड डोज होगी 18 मंथ पे वो होगी 2 ml या 2 यूनिट 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। सबसे पहली जो डोज होती है वो 1 ml की होती है, लेकिन बाकी जितनी भी डोज होगी वो 2 ml की होगी। फर्स्ट डोज लगती है 9 मंथ पे, सेकंड 18 पे, थर्ड 24, 6 महीने बढ़ाते जाएं, फोर्थ 30, फिफ्थ जो होती है वो 36 मंथ पे, उसके बाद 42 मंथ पे, 48 मंथ पे, 54 मंथ पे और 60 मंथ पे लास्ट डोज लगती है। टोटल अगर इसकी काउंटिंग होगी तो वो होगी 17 ml डोज दी जाती है बच्चे को टोटल उसके पूरे जब पीरियड्स के अंदर, अराउंड 17 लाख यूनिट। ठीक है, आई होप आप विटामिन ए समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट विटामिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।